नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे और आज बात करेंगे छिंदवाड़ा के पांडुर्ना में होने वाले गोटमार मेले की। दरअसल छिंदवाड़ा के पांडुर्ना में हर साल की तरह साल भी गोटमार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों तरफ से हुए पत्थरों के हमले में सैकड़ों लोग जख्मी हो गए। ये संख्या 300 से ऊपर तक जा पहुंची। लेकिन आखिर क्या है गोटमार मेले की परंपरा और इसके पीछे की कहानियां क्या हैं? आखिर क्यों एक दूसरे पर लोग बरसाने लगते हैं पत्थर? आज इसी पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं, वो दोनों कहानियां भी आपको बताने वाले हैं। दरअसल छिंदवाड़ा का पांडुर्ना एक बार फिर से जंग के मैदान में तब्दील हो गया। यहाँ दो गांव के लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हुए, जमकर पत्थर बरसाते हुए नजर आए। लेकिन ये कोई हिंसा का मामला नहीं है, बल्कि ये एक परंपरा है जो हर साल दोनों गांव के लोग मिलकर निभाते आए। इसमें दो पक्षों के लोग पोला त्योहार के दौरान गोटमार खेलते हैं और एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। इस मेले के पीछे दो कहानियां भी प्रचलित हैं। आखिर क्या प्रचलित हैं, क्यों बरसाए जाते हैं पत्थर, ये समझ लीजिए। पहली कहानी के मुताबिक आदिवासियों के पिंडारी समाज का जाम नदी के किनारे किला था, जिसका सेनापति दलपत शाह था। लेकिन महाराष्ट्र के भोसले राजा ने इस किले पर हमला कर दिया और शस्त्रों की कमी के कारण पिंडारी समाज के लोगों ने पत्थरों से अपने दुश्मन पर हमला किया, जिसमें महाराष्ट्र का राजा हार गया। और उसी की याद में कहते हैं कि ये मेला हर साल आयोजित किया जा रहा है और आज भी जारी है। एक और कहानी है, जब दूसरी कहानी एक और है, जिसमें कहा जाता है कि सावर गांव की युवती और पांडुर्ना का युवक एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन दोनों गांव के लोग उनके प्रेम से नाराज थे। जब दोनों इस विवाद से दूर रहने के चक्कर में भाग गए और जाम नदी पार कर रहे थे, तभी दोनों गांव के लोगों ने इन पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे दोनों की मौत हो गई। और इस घटना की याद में भी कहते हैं कि गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये दो कहानियां हैं जो इस गोटमार मेले से जुड़ी हुई हैं। हालांकि इस मेले के दौरान पत्थर बरसाने की वजह से दोनों पक्षों के लोग हर साल न केवल घायल होते हैं, बल्कि कई लोगों की बीते सालों में जान तक चली गई। और एक आंकड़े की बात करें तो करीब एक दर्जन से ज्यादा लोगों की इसमें जान अभी तक जा चुकी है। लेकिन ये जानलेवा परंपरा अभी तक रुक नहीं पाई। एक बार तो प्रशासन को यहाँ गोली तक चलानी पड़ी थी, फिर भी परंपरा को रोका नहीं जा सका। हालांकि इसके बाद लोगों को चोट ना लगे, इसे लेकर प्रशासन ने यहाँ पत्थरों की जगह गेंदों का इस्तेमाल करने की भी कोशिश की, लेकिन कहा जाता है कि उन गेंदों को गांव वाले अपने घर ले गए और हर साल की परंपरा के अनुसार ही उन्होंने पत्थर से एक दूसरे पर फिर हमला शुरू कर दिया। यानी प्रशासन की कोशिश यहाँ फेल हो गई। गोटमार मेले में पलास रूपी झंडे का भी काफी महत्व है, जिसे गोटमार के दिन अल सुबह जाम नदी के बीचों बीच स्थापित किया जाता है। बता दें कि गोटमार मेले की शुरुआत चंडी माता के नाम से होती है और सबसे पहले गोटमार खिलाड़ी चंडी माता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं और फिर पुलिया के दोनों तरफ से एक दूसरे पर पत्थरों की बौछार करते हैं। तो गोटमार मेला अभी भी चल रहा है। अब तक एक दर्जन से ज्यादा लोगों की न केवल इसमें जान जा चुकी है, बल्कि इस बार के गोटमार मेले की बात करें, करीब 300 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। कुछ गंभीर घायल हैं, उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है वो ये कि आखिर ये रुका क्यों नहीं, प्रशासन ने क्या क्या प्रयास किए? तो हर बार कोशिश होती है, समझाइश दी जाती है दोनों पक्षों को, प्रशासन बैठकर उनसे बात भी करता है, लेकिन परंपरा के नाम पर ये तमाम समझाइशें फेल नजर आती हैं। दूसरी कोशिश, जिसका हमने जिक्र भी किया कि भाई बॉल भी दी गई, रबड़ की बॉल दी गई, लेकिन उन रबड़ की बॉल देने के बावजूद भी पत्थर फेंकना, एक दूसरे पर पत्थर मारना थमा नहीं और आज भी ये परंपरा जारी है। कोशिशें अभी भी जारी हैं, प्रशासन कोशिश कर रहा है कि इस परंपरा को रोका जाए, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाया।